जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी ने बताया कि जैसे फ़ोन पे बार बार एक मैसेज आता है कि शुक्राना कर शुक्राना कर, तो उसमें उन आंटी ने बताया कि एक्चुअल में शुक्राना करने का मतलब इज़ आप पब्लिकली शुक्राना करो, आप बताओ कि कैसे गुरुजी आपकी लाइफ में आए और उन्होंने क्या क्या चेंजेस आए उनकी वजह से आपकी लाइफ में। सो मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2022 में स्टार्ट हुई थी। ऐसा मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि पहले से ही हम गुरुजी के साथ जुड़े होते हैं, बट इस बार जो था मैं एक्चुअल में जो मिली उनसे 2022 में, हुआ ये कि मार्च में मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ। उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी गुरुजी को इतना, हमारी फैमिली में कोई नहीं मानता था, बट मेरी जो मामी जी थी वो माना करती थी। तो जैसे मेरे फादर की सर्जरी हुई, उसके जस्ट बाद ऐसा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें दोबारा से एडमिट करा गया। उस टाइम पे ऐसा था कि उन्होंने कहा कि गैस्ट्रो स्टडी होगी मेरे पापा की, एंड उन्होंने ऐसा बताया था कि 24 hours समथिंग चलती है ये गैस्ट्रो स्टडी। उस दिन ही संगत जी मेरे को अपने एडमिट कार्ड को लेने जाना था, मेरे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरे को उस दिन एडमिट कार्ड लेने जाना था। तो मेरी मम्मी का मेरे को कॉल आता है कि बेटा ऐसे ऐसे है, गैस्ट्रो स्टडी के लिए कह रहे हैं, 24 hours चलेगी, तो एक काम कर तू नानी के घर चली जा, अभी आज कॉलेज का मत देख, बाद में ले लियो एडमिट कार्ड। तो मैं नानी के घर चली गई। अब नानी के घर मैं, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं लिटरली मैं रोने लग पड़ी उधर। अब मेरी नानी मेरे को अपने पूजा घर लेकर गई और वहाँ पे वो मेरे को दिखाती हैं कि ये देख कितने सारे भगवान हैं, इनसे बोल ये सुनेंगे तेरी। मैं ठीक है, मैंने सबसे भगवानों से सबसे प्रे करा, एंड उधर मेरी नानी ने मेरे को दिखाया कि एक छोटा सा स्वरूप था गुरु जी का। उन्होंने मेरे को कहा ये ना छतरपुर वाले बाबा जी हैं, तेरी मामी मानती है, तू इनसे भी अरदास कर। अब मैं तब जानती नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कौन है क्या है, कुछ भी नहीं पता था। और मैंने जब आप टेंस्ड होते हो ना तो आप इतना सोचते नहीं हो कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने अरदास करी फिर पापा को ठीक कर दो। इसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं आराम से बैठ गई अपना, बट मेरे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे कि ये गुरुजी कौन है क्या है। तो मैंने जस्ट गूगल करा, थोड़ा बहुत पढ़ा उनके बारे में कि लोग ऐसा मानते हैं कि वे शिव जी का अवतार हैं। तो जितने देर में मैं बस पढ़ रही थी, मेरी नानी को फ़ोन आता है मेरे मामू का, वो भी हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे, कि गैस्ट्रो स्टडी ख़त्म हो गई है और अब ठीक है पापा। मैं ऐसे है, गैस्ट्रो स्टडी तो 24 hours की चलनी थी, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो होता क्या है कि मैं पापा को, मैं भी कॉल करती हूँ कि सब ठीक है, पापा कहते, पापा बात करते हैं मेरे से, कहते हाँ हाँ अब ठीक है। हम भी डर गए थे बेटा, हमें भी समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था, बट अब ठीक है। फिर मैं पापा से पूछती हूँ, पापा ऐसे ऐसे मेरे को एडमिट कार्ड लेने कॉलेज जाना था तो मैं जाऊँ? तो मैं ठीक है, पापा कहते हाँ हाँ जा एडमिट कार्ड ले आ। मैं घर आती हूँ, फिर मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करके मैं कॉलेज की तरफ को जाती हूँ।
संगत जी मैं क्या बताऊँ, वो वाली जो जर्नी थी ना मेरी अपने घर से लेके कॉलेज की, इतनी स्मूथ जर्नी, मतलब मैं देख रही हूँ कि रिक्शा यूँ मिल जा रहा है एकदम से, आप चढ़ रहे हो और मेट्रो यूँ आ जा रही है एकदम, वो बहुत ही मतलब ऐसा मतलब इतना स्मूथ दिन था। अपने दोस्तों से मिली, ठीक है, बातचीत करी, बढ़िया, सब बहुत स्मूथ। फिर मैं घर आई, फिर उस टाइम पे घर आके एक चीज़ लाइज हो रही, क्या स्मूथ दिन था, बढ़िया दिन था। उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी कि वो गुरुजी कर रहे हैं, उस टाइम पे पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। फिर थोड़े टाइम की बाद जब मेरे पापा की कीमियोथेरेपी स्टार्ट हुई, तो जब फर्स्ट कीमियोथेरेपी हुई थी तो तबीयत पापा की काफ़ी ख़राब थी। उस दिन मेरी मामी मेरे से पूछती हैं कि बेटा हमारे पास ना गुरुजी का स्वरूप है, तो हम दे दें तुम्हें, तो क्योंकि उन्हें वो था कि पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे क्या करेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है दे दो, ठीक है। और उन्होंने वो सत्संग में गई थी तो उन्होंने जल प्रसाद दिया, और वो को आज भी याद है, बुध पूर्णिमा का दिन था वो और मंडे का दिन था, उस दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया था। तब तक तो हम जानते भी नहीं थे क्या है कौन है, मतलब एग्जैक्टली ढंग से नहीं जानते थे इतना। और उस दिन मामी जी आई और उन्होंने हमें गुरु जी का स्वरूप हमने लगाया, जल प्रसाद दिया। उस टाइम पे पापा की जैसे तबीयत ख़राब चल रही थी, जल प्रसाद पीने से पापा की तबीयत भी इम्प्रूव हुई, और लॉकेट दे के गई मामी मेरी, और स्वरूप छोटा स्वरूप भी देखने गई एक। तो उस टाइम पे मामी कहती कि मेरी मम्मी को बता रही कि बहुत ही ना मतलब ऐसे था कि जैसे मतलब जो मतलब स्वरूप निकले बड़े वाले वो मतलब दो निकले, अपने आप ऐसा हो रहा था कि बड़े वाले स्वरूप दो निकल रहे हैं, लॉकेट दो निकल रहे हैं अपने आप। और सब उधर देख रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इनको हर चीज़ दो दो कैसे मिल जा रही है। तो बट बहुत अब लगता है सुन, अब सोच के लगता है कि कितनी बड़ी कृपा थी गुरु जी की कि वो खुद इस तरीके से हमारे पास आए और धीरे धीरे बॉन्ड बनता गया। बट थोड़ा जो डीपर बना बॉन्ड वो तब हुआ कि मेरी ऐसे ही मेरी मम्मी से एक दिन डिस्कशन हो रही थी कि मम्मी गुरुजी का एक बड़ा मंदिर है छतरपुर में, हम भी तो जा सकते हैं, पास ही तो है छतरपुर, चले जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, गुरुजी का बुलावा जब तक ना हो आप नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ मैं ये बुलावा क्या मतलब, मंदिर तो ना आप ऐसे ही जा सकते हैं। तो फिर मैं तो मेरे को भी लगा कि हाँ यार चलो ठीक है, फिर बुलावा जब आएगा गुरुजी का तब देखेंगे, ठीक है। तो होता ये है कि मेरे पापा की फिफ्थ कीमियो थी, तो उस टाइम पे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं नानी के घर गई अपने, और मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, 6 जुलाई 2022 का वह दिन था, और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मेरे को कल जाना है, कल गुरुजी का बर्थडे है और मेरे को जाना है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे को एक बार जाना है उधर। तो मैं उस टाइम तक मैं गई नहीं थी, मेरे को पता नहीं था कैसे है सब। तो मैंने जस्ट मम्मी को कहा मम्मी मेरे को नहीं पता, मैं तो कल जा रही हूँ, मैं चली जाऊँगी अपने आप, ये है। फिर मेरी मम्मी ने मेरी मामी से बात करी कि ऐसे ऐसे है, ये कह रही है जाने को, तो आप लोग देख लो, अगर आपको जाना है तो आप लोग इकट्ठे चले जाना। तो हम लोग सारे, मेरी मामी, मैं और मेरे मामू, हम तीनों मिलके फिर हम गए। जैसे ही मैं गुरुजी के यहाँ मैं गई मैं मंदिर, उस टाइम पे ना ठीक है बर्थडे वाले दिन जैसे आपको पता है संगत बहुत होती है उधर, तो पर जैसे ही मैं अंदर गई और बस ऐसे लग रहा था जैसे एकदम ना
फ्री हो जाते हो ना, जैसे ठीक है आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, बट उधर जाके पता नहीं कैसे एकदम ना ऐसे फील होने लग जाते हैं, जैसे भूलने लग जाते हो आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या था क्या नहीं था। मैं खुद को मैं भूलती जा रही हूँ सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है, मैं एकदम अलग ही खुशी में हूँ मैं, मतलब ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है उधर जाके। तो बाद में मैं आई वहाँ से ब्राह्मण सेवा, जब हम लेने वाले थे तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे ना सर्जरी की टीम आनी थी मेरे पापा को देखने के लिए कि अभी हम दोबारा से, क्योंकि वो लोग कह रहे थे दोबारा से सर्जरी का सोच रहे हैं हम। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, हाँ मम्मी मेरे दर्शन हो गए हैं। तो मम्मी ऐसे ऐसे बताती है कि आने वाली है टीम, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो पर एक्चुअली में हुआ क्या उधर कि वो जो सर्जरी की जो टीम आने वाली थी, वो पूरी टीम नहीं आई, बस एक कोई डॉक्टर आई और उन्होंने कहा कि नहीं अभी सर्जरी हुई थी, अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप कीमियो से देखेंगे अभी। तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों ऐसा था, संगत जी की जैसे ही मैं बड़े मंदिर से आई, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, और वो हुआ भी। अगले दिन हम लोगों ने सत्संग करवाया, पापा भी आ गए घर पे और हमने सत्संग करवाया। फिर संगत जी एक और चीज़ थी, इसके साथ साथ हम लोगों ने घर लिया था, ठीक है, बट ड्यू टू हमें पता लगा कि पापा को ऐसे ऐसे कैंसर है, तो हम अपने पुराने वाले ही घर में रह रहे थे और हम अपने नए वाले घर में अभी तक शिफ्ट नहीं हुए थे, ठीक है। तो उस वाले घर में भी गुरुजी की कृपा से हम लोग आ गए, और इनफैक्ट इस घर को लेने के लिए हम लोगों ने लोन भी लिया था, तो उसको भी फिर हम इधर आ गए थे, तो जो हमारा पुराना वाला घर था उसे हमें सेल करना था। संगत जी ऐसे बात थी कि वो जो घर था ना, वो मतलब ऐसा था कि उधर ना लोकेशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो उसके चांसेस कम थे कि वो मतलब एक अच्छे रेट पे वो बिक जाता, बट गुरुजी की कृपा थी तो वो एक बहुत ही अच्छे जिस रेट पे हम सोच रहे थे कि वो सेल हो जाए, वो उस रेट पे सेल हुआ, सब गुरुजी की कृपा है। और धीरे धीरे थोड़ा लाइफ भी स्मूथ होती गई, क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा वैसे वैसे चल रही थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गुरुजी, मेरे को लगता है हर दिन पता नहीं हम कितनी चीज़ें हम मांगते रहते हैं, और मतलब छोटी से छोटी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और गुरुजी हर चीज़ को देते हैं, और जो नहीं भी देते ना वो भी हमारी भलाई के लिए होता है। मैंने एक चीज़ देखी है, हमें आगे चल के एक चीज़ समझ आती है कि अच्छा हाँ ठीक है, गुरुजी जानते थे क्या चीज़ हमारे लिए बेटर है। और संगत जी मैंने थ्रू आउट माय दिस जर्नी मैं एक चीज़ देखती हूँ अपने अंदर कि मेरे में भी बहुत बदलाव आए हैं। मेरे में गुस्सा बहुत था, मैं बहुत, ये नहीं अब नहीं है पर पहले बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी इसमें, गुरुजी कहते हैं कि निम्मापन लाओ अपने अंदर, ग्राउंडेड रहो, और वो चीज़ मैं सीख रही हूँ, और मैं उस चीज़ की एक कहते हैं एक ब्यूटी समझ पा रही हूँ कि क्या चीज़ है ये, और बहुत ही प्यारी चीज़ है। ऐसे गुरुजी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते रहते हैं, बोलते हैं कि चुगली मत करो, बहुत निंदा मत करो किसी चीज़ की, वैसे तो एकदम से नहीं कर पाते बट कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मन को जब हम गुरुजी की जो आज्ञा जो बोलते हैं हम उनका पालन करते हैं। गुरुजी इतनी कृपा करें कि हम उन सब चीज़ों को फॉलो कर पाएँ और हमें अपने संग जोड़े रखें, सबको संग जोड़े रखें, क्योंकि ये जो गुरुजी के साथ जो हम जुड़ते हैं हमारे बहुत अच्छे कोई कर्म हैं जो हमें इनसे मिलवा रहे हैं, हमें इनसे जोड़ रहे हैं, और गुरुजी हमारा हाथ पकड़े रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में इतना वो नहीं है कि हम साथ रह सकें, वो हमें साथ रख सकते हैं, उनमें वो पावर है, हम कुछ नहीं कर सकते।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना फॉर ईच एंड एवरी थिंग। एंड गुरु जी साथ रखिएगा, और इन बिटवीन में से जो कोई भूल चूक हुई हो उसको माफ़ करिएगा सत्संग सुनाते वक्त। और अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।